भीम भैया की बाइक ले लेना ठीक है। क्या नाम है भैया का? मेरा विवेक पांडे। ये अवैध ई रिक्शा स्टैंड जो इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पे लगे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में मेरा यही कहना है कि ये सब पुलिस की मिलीभगत से हो रहा है और ये समस्या का निस्तारण के लिए हम लोग कई बार कंप्लेन भी किए प्रशासन से, बस उसका कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया। तो डायरेक्ट आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि इसको किसी तरह से सुधार किया जाए। कितने सालों से भैया ये है, ये अवैध स्टैंड यहाँ पर? अप्रोक्सीमेटली मोर देन 1 ईयर हम लोग कई बार भी इसके लिए कंप्लेन किए हैं, रिटर्न भी हम लोग के पास रखा हुआ है कंप्लेन का। क्या भैया ये अवैध रिक्शा स्टैंड जो है, क्या यही एक कारण है जाम की स्थिति का? मेन कारण यही है क्योंकि मेन चौक पे ही सारे ऑटो स्टैंड और ई रिक्शा स्टैंड, रिक्शा स्टैंड सब लगा हुआ है। शिकायत करने के बावजूद भी क्या कुछ कोई कार्रवाई नहीं हुआ? कोई कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं। सर, ये राष्ट्रीय राजमार्ग पर कानपुर क्षेत्र में इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे से लेकर मुंशीपुलिया तक तमाम अवैध ई रिक्शा स्टैंड और टेम्पो स्टैंड लगे, उनको लेकर के जाम की तमाम समस्याएं आ रही है। इसमें पुलिस द्वारा भी अवैध चलाया जाता है, मेन समस्या आ रही है क्योंकि इतने ई रिक्शा के लाइसेंस जारी कर दिए गए, इनके लिए कोई स्टैंड अभी तक संभवतः आवंटित नहीं हुआ, इसके चलते समस्या आती है। प्रचार कर रहे हैं कि जो भी टेम्पो या ई रिक्शा उनके लिए कोई जगह आवंटित कर दिया ताकि वो आराम से खड़ा हो सके। इसके अलावा जो भी अवैध ई रिक्शा और चलते भी उसमें अवैध चलता है उनको बंद करने का कार्य किया जाता है। सर, कई बार इस तरह की बातें भी प्रकाश में आती हैं कि नगर निगम द्वारा इन अवैध स्टैंडों को जो है मनमाने रूप से जो है ठेका दे दिया जाता है अवैध स्टैंड चलाने के लिए, क्या इसके लिए नगर निगम के किसी जिम्मेदार अधिकारियों से भी पुलिस प्रशासन की बातचीत चल रही है इन अवैध स्टैंडों को हटाने के लिए? चलिए, हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो भी ई रिक्शा या टेम्पो चलने के लिए प्रॉपर स्टैंड हो जहाँ पर खड़े हो सके, अगर ये से सब स्टैंड अगर बन जाएंगे तो जहाँ की समस्या हमारी इसमें हल हो जाएगी। सर, आगे भविष्य में इन अवैध स्टैंडों से खड़े होने वाले अतिक्रमण और जाम की समस्याओं के लिए पुलिस प्रशासन किस तरह से तैयार है? ट्रांसपोर्टी क्षेत्र में चूंकि जाम की समस्या बहुत ही भीषण होती जा रही है, पीक आवर्स में देखा जाए तो जाम एक भीषण समस्या के रूप में सामने आता है और चौराहों पर आम जनता को घंटों इस जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है, इसके लिए पुलिस प्रशासन किस तरह से तैयार है? इसमें विशेष अभियान चल रहे हैं। इसके अलावा जितने थाना प्रभारी है सबको आदेश दिया गया है 50 मीटर दूर तक कोई भी ई रिक्शा या कोई गाड़ी खड़ी हो ताकि जाम की समस्या से हल पाया जा सके। सर, पूर्व में आईजी रेंज रहे ए सतीश गणेश साहब ने एक आदेश जारी किया था कि चौराहे से 100 मीटर के दायरे में ऐसा कोई भी अवैध स्टैंड नहीं लगेगा, जिसके बाद इसकी स्वयं मॉनिटरिंग SPDG द्वारा ही की गई थी और इस पर कई दिन काम भी किया गया था, क्या इस पर भी कोई अमल किया जा रहा है? इस तरह का कोई आदेश है तो स्टैंड ऑर्डर है कि चौराहे के आसपास गाड़ियाँ खड़ी न हो, क्योंकि स्पेसिफिक ऑर्डर इस संबंध में अगर पूर्व में हुआ तो उसका भी पालन किया जाएगा। सर, जैसा कि विभिन्न चौराहों की बात करें, चाहे टेढ़ी पुलिया हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा हो, चाहे कपूरथला हो, सर इन चौराहों पर कई सालों से ये अवैध रिक्शा स्टैंड संचालित हैं। सर, ये भी आरोप है कि स्थानीय पुलिस द्वारा इनको संरक्षण दिया जा रहा है और उच्च अधिकारियों का आदेश जो है वो फिलहाल माना नहीं जा रहा है, तो क्या सर इस पर कहाँ तक क्या सर कार्रवाई क्या और कहाँ तक इस तरह कोई कराएंगे? इसके अलावा जो इसमें खाली पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, तमाम विभाग हैं जो इस समस्या का समाधान करने के लिए जिम्मेदार है। पुलिस उनमें से एक विभाग है, इसके अलावा नगर निगम, LDA तमाम विभाग हैं जो जिम्मेदार है। सर, आपकी कार्रवाई अभी आगामी कुछ दिनों में कब तक सर देखी जा सकती है? हम शीघ्र ही एक दो दिन अभियान।